परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें नाम दान में देकर हमें मार्ग दिया, प्यारे जपो जी नित राम 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 श्री राम। प्यारे तो नित नियम से राम नाम का जाप कर, क्यों कर? ये राम नाम शक्तियों का स्रोत है, ये खान है, हर प्रकार का सुख अनुकूलता और जीवन में उत्पन्न होने वाली बाधा विघ्न को यह दूर करता है और कारक सब अनुकूल, प्रत्येक कार्य तेरे अनुकूल होने लगते हैं, इसलिए नाम का जाप कर। परंतु राम नाम का जाप सभी नहीं कर पाते, क्यों? मन तो एक है, मन को जिस तरफ लगा दोगे ये उस तरफ लग जाता है। मन विषयों में, धन दौलत में, सगे संबंधियों में, दुनिया की शक्लो सूरत में, अनेक कामनाओं में इसको लगा रखा है, मन उस ओर लगा हुआ है, नाम जाप के साथ मन को नहीं जोड़ा हुआ। तो ये जितना आसान है रा आ और मा कहना, पढ़ना, लिखना, उतना आसान इसके जाप को करना नहीं है। बोलना बहुत आसान है राम, पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी रा आ और मा राम बोल सकता है, कोई भी बड़ी सुगमता से इसकी प्राप्ति देव आदि देव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से इस नाम को ग्रहण कर सकता है, परंतु जाप नहीं कर सकता। कारण, इसका अभ्यास नहीं किया जाता। राम नाम के जाप के लिए अभ्यास करना होता है, इसकी प्राप्ति जितनी सुगम है उतनी कठिन भी है। कारण, मन को मोड़ना होता है, मन स्वतः ही विपरीत दिशा में तो अपने आप चला जाएगा, परंतु उसको सन्मार्ग के ऊपर लगाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार पानी ऊपर से नीचे गिराना बहुत सरल है, परंतु नीचे से ऊपर को पानी चढ़ाना बहुत कठिन है। परंतु जब सूर्यदेव अपना तेजोमय प्रकाश जल पर वह अवतरित करते हैं तो वह पानी भी वाष्प बन के हल्का होकर के ऊपर की ओर आने लगता है। जब देव आदि देव श्री राम तेजोमय हमारे इष्ट देव जिस पर यह कृपा हो जावे, उसका मन पलटने में देर नहीं लगती है। परंतु राम कृपा उस जन पे आवे जिस पे आप ही राम बसावे, यह उसका सिद्धांत है। फिर अब यह प्रश्न आता है कि राम कृपा किस जन पर होती है, जिस पर वह आप बसाता है, और किस पर बसाता है? अधिकारी को देख करके बसाता है, जो जितने का अधिकारी है। अगर कोई थोड़ा सा प्रयास करे, थोड़ा सा प्रयास करे
उसकी सहायता वह देव आदि देव आप करने लगता है। राम जाप है परम अभ्यास, जिसमें यह उत्कंठा हो जाती है कि मेरा अधिक जाप होवे, मैं जाप में रहूं, मैं नाम में होकर लीन। केवल अमृतवाणी का यह पाठ ही नहीं करता, भीतर उत्कंठा हो जावे, भीतर तीव्रतर चाह हो जावे कि मैं नाम में लीन रहूं, तो अपने शरणागत की प्रत्येक मनोकामना को वह परमपिता परमात्मा आप पूर्ण करता है, उस पर अपनी कृपा अवतरित कर देता है। अब जो प्रयास ही नहीं करेगा उसका जाप कैसे होगा? जो इस अभ्यास में अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेगा, अभ्यास करने का प्रयत्न ही नहीं करेगा, तो उसकी सहायता कौन करे? बिना सहायता के नाम नहीं जपा जा सकता। जब तक नाम नहीं जपा जावेगा, भीतर के विकार ये नहीं समाप्त होंगे। जब तक भीतर के विकार समाप्त नहीं होंगे तो दुखों से छुटकारा नहीं होगा, बल्कि ये दुख कष्ट सवाया हो जावेंगे अपने विकारों के कारण, अपने दुर्गुणों के कारण। मानव को कष्ट दुख अपने दुर्गुण देते हैं, क्रोध का करना, वैर भाव, ईर्ष्या द्वेष, ये वह भारे पाप हैं जो मानव को स्वयं ही दुख देने का कारण बनते हैं। ये वैर भाव, ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये क्रोध की प्रवृत्ति और अभिमान नाम जाप से ही दूर होता है। कैसी भी विपरीत अवस्था आ जावे, साधक विचलित नहीं होता, शांत रहता है। कौन शांति प्रदान करता है? जो शांति का धाम है, अगर उससे अपना नाता जोड़ा हुआ है, अगर शांति का जो धाम है वह है मेरा राम, उसका नाम, उसके साथ नाता जोड़ा हुआ, अभ्यास नाम का, ध्यान लगे या ना लगे ये भिन्न है। ध्यान का लीनता की लय अवस्था भिन्न है। नाम जाप कितना करते हो, सिमरन कितना करते हो, यह महत्वपूर्ण है। सिमरन करो, नाम का जाप करो, लीनता और ध्यान में सुदृढ़ता, यह तो उस परम पिता परमात्मा की कृपा का एक अंश है। साधक इसके लिए ललायत नहीं होता, यह स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। महाराज ने कहा राम जाप है परम अभ्यास, 14 पृष्ठ 31वां श्लोक अमृतवाणी। पहले तो यह अभ्यास है, क्या तू अभ्यास करता है? नाम जाप में बैठ गया, मन इधर उधर भटक गया, भाग गया, उसी ओर बहता रहता है या तुरंत आंख खोल करके पुनः अपने मन को नाम के साथ जोड़ता है? मन चंचल है, निश्चित रूप से चंचल है, परंतु बार बार अभ्यास से और वैराग्य से, विषयों से वैराग्य, यह मन नाम में टिक जाता है। महाराज ने लिखा और कहा राम जाप है परम अभ्यास, यह अभ्यास साधारण नहीं, परम बहुत बड़ा अभ्यास है, यह इसको साधारणता नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जितना बहुमूल्य मूल्य कोई वस्तु होगी उसके लिए, उसकी प्राप्ति के लिए उतना अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। फिर ये राम नाम रूपी रतन अनमोल, इसका कोई मोल नहीं है, जो रतन की प्राप्ति ये यूं ही नहीं हो जावेगी।
चांदी, सोना, हीरे, जोहरात फिर खरीदे जा सकते हैं, जिसमें जितनी समर्थता होगी, जितना धन होगा, धन है तो चांदी खरीद लेवेगा, और धन है तो सोना खरीद लेवेगा, और धन है तो हीरा खरीद लेवेगा, और हीरे में भी सॉलिटर बहुत बड़ा हीरा वो खरीद लेवेगा, बहुत बड़े कैरेट का ले लेवेगा। परंतु राम नाम रूपी ये रतन अनमोल, इसका कोई मोल ही नहीं है, इसका मोल है तेरे मन में उत्कंठा, तेरे मन में चाह, तेरे मन में उसकी प्राप्ति के लिए ललायता हो जाना। कितना तू उत्कंठा कितनी है तेरे भीतर, तू कितना ललायत है उसकी प्राप्ति के लिए, बस यह देखता है भगवान, यही उसकी कीमत है। अधिकारी को देख करके यह रतन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक, अमोलक जिसका कोई मोल ही नहीं है, दी मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु ने कैसे दे दी ये वस्तु, कृपा कर अपनायो, मेरे को अपना लिया और मेरे ऊपर कृपा कर दी। जा पर कृपा राम की होवे, ता पर कृपा करे हर कोय, तो राम की पहले कृपा हुई, फिर गुरुदेव ने ये मुझे नाम दे दिया। ओहो मैं राम नाम धन पाया, ओहो मेरे बहुत ऊंचे भाग्य हैं, ओहो मैंने राम नाम धन प्राप्त कर लिया। इसके लिए महाराज ने कहा अभ्यास कर। अब किसान तो वही बुद्धिमान है ना, उसको एक बीज दिया जावे, अगर वह बीज अगर उसको भून करके पका करके खा लेवे तो ये किसान की बुद्धिमता नहीं, धैर्य रखे। एक बीज तुझे दिया है, मान लो सेब का किसी भी फल को ले लीजिए, एक बीज मिल जावे, या तो उसको तभी भून पका के खा लेवे या उसको बीज देवे। अब उसकी सिंचाई करे समय और ऋतु के अनुसार, उसकी रक्षा करे, वही समय आकर पौधा औंकर आवेगा और बड़ा पेड़ बन जावेगा। अब उस पेड़ को एक बीज के बदले एक फल नहीं प्राप्त होता, अनगिनत फल प्राप्त होंगे। अब उन फलों में हर फल में चार चार बीज और तेरे की प्राप्ति हो जाएगी। अब कितने भी मीठे फल खाता चला जा, अब उसकी कृपा का कोई अंत नहीं रहेगा तेरे पास। नाम बीज हृदय में बोवे, गुरु का काम है, गुरु ने अपना काम कर दिया, नाम बीज तेरे हृदय में बो दिया, अब इसको सवाया 100 गुना लाख गुना तेरा मेहनत है, वो है तेरे नाम जाप का अभ्यास। संग्रह कर लेना नाम जाप को, विश्वास रखिएगा अनुभवगत वार्ता है, जिसके पास यह पूंजी एकत्रित हो गई, जिसके पास ये राम नाम रूपी पूंजी एकत्रित हो गई, वह है धनपति सेठ। वह धनपति वास्तव में धनपति है, क्यों धनपति है, वह धन नाम जाप का इस लोक में भी उसके कार्य करता है और परलोक में भी उसको प्रतिष्ठा, देवी देवताओं के लोकों में भी उसकी प्रतिष्ठा, तीनों लोकों में वह चला जावे उसका सम्मान इसी प्रकार से होता है जिस प्रकार एक धनवान का सम्मान इस लोक में होता है।
वह रुपया पैसा हीरे जवाहरात सोना चांदी केवल इस लोक का सम्मान देते हैं, इस लोक का सुख देते हैं, परंतु राम नाम रूपी धन अनमोल है जिसका कोई मोल नहीं, तीनों लोकों में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और ऐसे धनपति सेठ जिसके पास नाम की पूंजी है उसका स्थान भगवान के हृदय में होता है। महाराज ने कहा सिमरो 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 राम नाम सुख रास, ये सुखों की राशि है, ये मंगल इसका मूल है और ये मंगल और कल्याण करने वाला है। कैसे होगा? राम राम श्री राम ध्याना, नाम जाप करते हुए ये अवस्था आ जाती है, ध्यान लीनता की लय अवस्था अगर प्राप्त हो जावे लाभ क्या होगा? अभ्यास किया तूने, अभ्यास करते करते लीनता की लय अवस्था, उस परमात्मा का नियम है कि जो अभ्यास करेगा उसको लीनता की लय अवस्था ध्यान में स्थिरता प्राप्त हो जाएगी। अब और क्या प्राप्त हो जाएगा? है परम पद अमृत पाना। अब उस अमृत पद ब्रह्मधाम जहां से जाकर जीव नहीं लौटता, अमृत अंधकार नहीं है, दुख नहीं है, रोग नहीं है, वृद्ध अवस्था में जो कष्ट होता है वह नहीं है, सर्वत्र शांति है, वह अमृत, उस स्थान की प्राप्ति कर लेना। अब अमृत पद की प्राप्ति के लिए जो महाराज ने नियम वर्णन किए हैं, उस मुक्त करने वाले मंगलमय धाम की प्राप्ति कैसे होगी? नाम जाप तो मुख उसका स्रोत है उसकी प्राप्ति का, जितना इसका संग्रह कर लिया जाएगा उसकी प्राप्ति उतनी सुगम हो जाएगी, ये औषधि है। अब जब वैद दवा देता है, औषधि देता है, साथ में परहेज भी बता देता है, अब दवाई भी खाई जाए और परहेज ना किया जावे तो वैद का क्या दोष है, क्योंकि आराम तो फिर आने वाला नहीं। अब अमृत पद की प्राप्ति के लिए नाम जाप के साथ अब तुझे करना और क्या है, जो परहेज है, जो आवश्यक है। टाइफाइड का मरीज हो, डॉक्टर की दवाई खाए, डॉक्टर ने कहा आराम करो, अपनी व्यस्तता के कारण आराम करे ना तो टाइफाइड तो बिगड़ जाएगा। कितना बिगड़ जाता है, हकलाने लगता है, आवाज भी ठीक से, वाक्य ठीक से नहीं बोल पाता। अगर टाइफाइड बिगड़ जावे, हकलाने लगेगा, बोलने में उसको कठिनाई आने लगेगी, क्यों? बुखार बिगड़ गया। इसी प्रकार दवाई खाई, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, ये रोग इतनी आसानी से भी नहीं दूर होता, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु से इस क्रम को तोड़ना कोई आसान नहीं है, क्यों? वाणी, क्या तेरी वाणी के द्वारा अमृत वचन तेरे हैं या दूषित वचन है?
अब दूषित वचन बोल करके तू कहे मैं अमृत पद प्राप्त कर लूं, नहीं संभव है महाराज। छे पृष्ठ उस मुग्ध करने वाले मंगल धाम की प्राप्ति और उस अमृत रूप की प्राप्ति, जब तू अपने मुख से दूसरों की निंदा चुगली बुराई नहीं करेगा, क्या करेगा? अमृत रूप राम गुण गान, केवल राम नाम के गुणों को इस जीवा का दुरुपयोग किया नहीं और तेरे संकट बढ़े नहीं, उसी समय बढ़ जावेंगे संकट, दुख, कष्ट, तकलीफ। ये जीवा मिली है प्रभु के गुणगान करने के लिए, ना कि दूसरों के दोषों को वर्णन करने के लिए, दूसरों की निंदा चुगली करने के लिए। अब दूसरों की निंदा चुगली भी करता चला जा और राम राम भी जपता चला जा, अमृत पद की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, दुख कष्टों की प्राप्ति होगी। बदनाम वैद कि मैं तो राम नाम जपता था, दवा औषध राम नाम की, मैंने तो बड़ा जाप किया, जो परहेज कहा था उस ओर ध्यान नहीं दिया। परहेज है अपनी वाणी को दूषित नहीं करना। महाराज ने कहा चौथा श्लोक, अमृत रूप, अगर अमृत रूप की प्राप्ति करनी है, उस अमृत की प्राप्ति करनी है तो अपने वाणी पर अपना नियंत्रण कर ले, संयम में आ जा। अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन तेरे शब्द कथन बोल, अमृत कथन राम विख्यान, राम के गुणों का ही तू चर्चा कर। अमृत वचन, तेरा वचन भी अमृत होवे अगर अमृत पद की प्राप्ति करनी है। वचन में कोई वाक्य तेरा ईर्ष्या द्वेष वश ना होवे। बदनाम गुरु, बदनाम नाम, अपने आप को तो मैं तो दूध का नहाया, मैं तो अमृत कुंड में नहाया, मैंने तो नाम जपा, फिर ये कष्ट क्यों आया? बदनाम किसको किया? अपने आराध्य देव को, अपनी दिनचर्या, अपने भाव। वह मनोभाव जान देखता है, वह हाथ की माला नहीं देखता। तेरे मन में क्या है वह देखता है, इतना सजग है वह, इतना शक्तिशाली वह है, थोड़ी सी आहट को भी जानने वाला है। अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम विख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, दूसरों की निंदा चुगली, दो व्यक्ति इकट्ठे हो जाए, दो क्या अपने सम्मुख नाम जाप के उपासक बैठे हों और दूसरों की निंदा चुगली करोगे, फिर कहोगे मुझे सुख मिल जावे, वह दंड मुझे ना देवे, कौन बचाएगा? दोष किसका है? तेरा वचन, अमृत वचन राम की चर्चा, सत्संग में बैठ करके दो व्यक्ति बैठ करके चर्चा करे राम के गुणों की, ना कि दूसरों की निंदा चुगली। बदनाम सत्संग, बदनाम गुरु, बदनाम अपना आराध्य देव। सुधा सम अमृत समान है उसके गीत गान करना, उसके गुणों को गाना और उसकी चर्चा करना। अब जब तक अपनी जीभा पर तेरा संयम नहीं होगा, तेरा जाप नहीं होगा। जाप नहीं होगा तो तेरा ध्यान कैसे लगेगा? लीनता की लय अवस्था कैसे मिल जाएगी?
और अनहद नाद कैसे तुझे सुनाई देवेगा, कैसे तेरा अजपा जाप हो जावेगा। विचार करना, अपना निरीक्षण करना, हे गुरुदेव आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। कल रविवार यहां जो साप्ताहिक सत्संग है उसी प्रकार 8:30 से 10 होगा। रेखा जी यहां पर होंगे और जो सेवक यहां पर भजन कीर्तन में सहयोग देते हैं, राम कोर जाते हैं, ये सत्संग की सेवा करेंगे। कल प्रातः बहुत अर्ली मॉर्निंग मैं यमुनानगर के लिए रवाना हो जाऊंगा। यमुनानगर श्री राम शरणम तेजली रोड, वहां पर मैं स्वयं प्रातः 8 से 9:30 की सभा में सेवा में उपस्थित रहूंगा। तो जो वहां के सेवक हैं उनको सेवाएं दे दी गई हैं, जैसे जैसे महाराज का आदेश होगा उसका पालन करता रहेगा। तो कल मैं प्रातः लुधियाना के सत्संग की सेवा में नहीं रहूंगा, प्रातः 8 से 9:30 श्री राम शरणम तेजली रोड यमुनानगर के सत्संग की सेवा में रहूंगा। तो कल प्रातः अर्ली मॉर्निंग मुझे जाना होगा क्योंकि 3 घंटे का सफ़र है यमुनानगर, 8 बजे से पहले पहुंचना होगा। तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग रवाना हो जाऊंगा यमुनानगर के लिए। खूब नाम का जाप कीजिए, अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वाणी तानी कर्म की तंतु बने संस्कार, जन्म भोग कपड़ा बुना पहने जो संसार। ये जो जन्म है ना ये वाणी के ऊपर आधारित है, इसमें कष्ट आवेंगे दुख आवेंगे अथवा सुख आवेंगे, जैसी वाणी बोली जावेगी वैसा ही उसका विधान व नियम लागू हो जावेगा। जितना हो सके विनम्रता से समर्पण भाव से नाम का जाप करो। सब शक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्तिमते परमात्मने श्री